पता नहीं लग्या, सॉरी मैनू माफ कर दे। मैं नहीं पता लगा इतनी ज्यादा सारी कमी आई पई, मैं इतना दूर टोर के आंदी पे सहेली तेरे जावना, मैं नहीं पता लगा, मैनू माफ कर दे, माफ कर दे, मैं नहीं पता लगा। कौन है तू? मैं गुड्डू दी भैणा, ठीक है मैनू माफ कर दे, मैनू बड़ी गर्मी आई, मैं नहीं समझ आई भी मैं क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा तू गुड्डू दी भैण है। मनूर, मनूर किधर चली गई है? हाँ जी, की रोला पाए हुए। थोड़े जे पैसे चाहते, मैं जरा शहर चलिया। गुड्डू मैं तेनू रोज रोज पैसे कितू देवा, रोज तू शहर दा बहाना करके इतने इतने पैसे लेके जाना है, ते तू जुए खेड के आ वैना है हर के, ते इतना माल डंगर आई तू तो ही बेच छोड़े है, तेनू खैर ता है कुछ ता खुदा दा खौफ कर ला। देव मनूर, एक दिन आएगा जो मैं इन्ने पैसे जीत के ले आवांगा, फिर तुम ही खुश हो जाएंगी, ते फिर वेखी मैं सलमा दा तुम धाम नाल शादी करांगा। पता नहीं ओ केड़ा दिन नवणा जिस दिन तू सलमा दी शादी धूम धाम नाल करनी है, मैनू तो तेरे च कोई उम्मीद कोई नहीं, ते इतनी जमीन पई है तू आपे नहीं कर सकदा जमीन दी वाई। ओहो हुण तू गल्लां करेसे या मैनू पैसे भी देसे? गुड्डू मेरे को पैसे कोई नहीं है, ठीक ना, कुछ तो एहसास कर ला, आपो एहसास कर ला, मैं तेनू रोज रोज समझा समझा के मेरा दिमाग पागल हो गई है। ठीक है तू ना दे पैसे, मैं एक मज होर बेच दे सा। तू काम में होर कर ही की सकना है, इयो काम ही करना है, माल डंगर ही बेचना है, होर तेरे को है ही की। मनूर मैं तेनू आख्या बहस ना करया कर मेरे नाल, ते इनकार ना करया कर, चल पैसे दे मेनू। मेरे को एक रुपया ही कोई नहीं गुड्डू। मैं तेनू कह रहा ना मेनू पैसे दे, तेनू समझ क्यों नहीं आंदी? गुड्डू मेरे को कोई नहीं पैसे, मैं कोई नहीं देवने। तू इंज पैसे नहीं देगी, मेनू तरीका आंदा तेरे को पैसे लैण दा, चल गुड्डू, चल गुड्डू, चल। मेरे घर वाले ना तैर दे, ए जुआ ना खेड़े, अगर इको एक साडा घर है, माल डंगर ही थोड़ा रह गया है, यो कितने ना हार के आ जावे, सुन रब मेहरबानी कर। भरजाई की होया, रोंदी क्यों बैठी है, अज बात बिरा मारे है? हाँ बात मारे तो पैसे भी लै गई है। पैसे भी लै गए? हाँ। पता नहीं है रोज रोज ड्रामा मेरे बिराह पते हुए, रोज समाणी नु मरेंदा है, पैसे लैके जांदा है, पता नहीं है लाते नु जुआरी वाली लगी कित्थू है। मैं सलमा की करा, मैं तो ये फिकर खादी जांदी है कि कित्ते घर ही ना जुए च हारते आ वने, तो दूई गल है मेरी तो चलो खैर है, मैं तो गुजारा कर वैसे, तो मैनू 24 घंटे सलमा तेरी फिकर लगी रहंदी, तू कि मैनू कुछ नहीं होंदा, मैं आप इस गल दी परेशान होनी है, मैं नहीं एक नेक दे इन कोल पैसे नहीं आवणे, ते घर ही बेच छड़ना है, अगर जुए च हार गया तां मैनू चौके डंगर बच्चे खलन, दो त्रै सिर्फ डंगर बच गए, सिर्फ इस बिच ही आया जुए छड़दा आया मेरा बिरा। सलमा इस कोई चीज ही नहीं छोड़नी, ना माल डंगर ना जमीन, कोई चीज ही जुए च कोई नहीं छोड़नी। अल्लाह परजाई तू रो ना, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह करे सी तेनु आदत खत्म हो गई सी इन जुए वाली। अल्लाह परजाई तू ना रो, बिरा जान ते मैं ओदे नाल गल करेनी आ, वी तू एक ड्रामा फदे होए बिरो, तू परजाई नु मारी रखना, चल चुप कर, हुण रोना नहीं है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਾਲਿਆ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਜਾਣਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡੂ ਬਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਂ ਖੇਡਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਚ ਫਾ ਫਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਣ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ।
मतलब है दवा से कोई तरीका लड़ना पड़े कर दा मैं वो सही गल की थी कोई ना कोई तरीका करने ही पड़ना वरना मैं तो देख ख्याल ही मर जाना भाई आ बे इतने क्या करना है बालिया तू चल क्या दास क्यों आई है बोल दी ने बाहर निकली करो कर सिर दुपट्टा गल्लां तां बड़ियां करदियां दुपट्टा नहीं करदी सिर ते भाई जी मैं किसी की वेखना मैं तो बस तुहाडे कोल दुपट्टा कर सही किसे की वेखना अगो जबान लड़ेंदी मेरे नाल अल्ला कर ले मैं उतला अला चल घर ममदा बस चल जा अला अम्मी प्यांदी ठो आ हां भाई ना चल घर तू नहीं अम्मी इंतजार भी कर दी चल लगा जा ममदा बस चल जाओ आ दस के जा ले से जा भाग जा भाग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गुड्डू भाई कैसे हो ठीक हो ठीक ठाक तुसी सुनाओ की गल है आज बड़ा रिलैक्स बैठे हो बस रिलैक्स थी हां सुना वाह ठीक है मैं कह जावा दो तीन बारियां ही ला के आवा तो पैसे पूसे आंदे नहीं बड़े पैसे लेके आया वा मैं आज शोक रा शोक वाह वाह चल आ फिर अच्छा गुड्डू हां जी तेरे नाल एक गल करनी है जी जी बोलो यार कदो तक 500 हजार 2000 वाली जेमा लावांगे यार अमर मेरे को लेने ही होंदे ने ज्यादा पैसे तो मेरे को है नहीं वो दो तीन तो डोल डंगर रह गए ने अच्छा और कितो लेके आवांगा पैसे पैसे अगर तू हम ही भरे ना ते एक टाइम तरीका दसदा दस इस तरह भी आज को वड्डी गेम लाइए 5-5 लाख दी 5-5 लाख हां 5 लाख कितो लेके आवांगा मैं ओ जलिया तू बोल ले चे तू ला तो सही ते सोच भी नहीं तेरे घर की चीज पई है मेरे घर हां मेरे घर ते कोई कीमती चीज है ही नहीं है तेरे घर बड़ी एक अनमोल चीज है तू सिर्फ हम ही भर गेम ला मेरे ला मेरे घर तू जीत जा मैं 5 लाख ये मैं जीत जो उसको मेरी मेरे घर पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है अमर पांच जड़ी 5 लाख दी होए पता नहीं तू तू केड़ी चीज दा कह रहे हैं मेरे घर कोई ऐसी चीज नहीं है भाई तू भाई तेरे घर तेरी छोटी बहन हेलो अमर इस जुवे दे विच मेरी भैन नू ना लेके आ ते 5 लाख भी थोड़ा नहीं है 5 लाख सोच उदनो तू की कर सकदा है 5 दा तू 10 कर सकदा है ऐसे जुवे च की तेरी सोच तू वध के कमा 500 हजार वाली गेम खत्म हो जाती हां हो सकदा है कि सिर्फ मैं हारण वास्ते ते नहीं ना खेलदा मैं जीत भी ते सकना वा समझदार तो तू है ना खुद ही लेकिन मैं 5 लाख कैश लवांगा कैश मिलेगा टेंशन नहीं लेनी जे तू हारिया ते मैं 5 लाख ले लेने ही अमर तरियां गा ते जे तू हार गया ते फिर मैं जेडी दिन गल दसी है फिर मैं वो ले जानी है मैं ये गल तेनु सोच के दसांगा चल सोच ले टाइम है तेरे को आज नहीं लानी गेम फिर नहीं एक बारी वड्डी लानी गेम वड्डी गेम ही लावांगा 5 लाख वाली चल फिर ठीक है मैनु सोचण दा मौका दे ओके हो गया गल तो तू बड़ी घटिया की है लेकिन गल 5 लाख रुपए की है जित भी तो सकना वो गल तो घटिया पर पैसे भी वेख 5 लाख रुपया कभी गिने ही जिंदगी च ठीक हो गया चल भाई ये तो लगता फसू है जरा सोचण तो गया है ना लालची जहा बंदा है ये साहब ना लैन से आराम नाल नहीं तो हो हल कड़स है छड़ना तो मैं भी हूं नहीं अमर को सोचने का मौका तो मैं लिया पर गल ओदी भी माड़ी नहीं 5 लाख का सवाल है जे 5 लाख गुड्डू तेरे को आ गया ना तो तू की नहीं कर सकता तू बड़ा कुछ कर लेगा 5 लाख वाह
मजा आ जाएगा। और जरूरी तो नहीं कि मैं ही आ रहा, जित भी तो सकना वा मैं। कई तरह गल्ला लगा बैठा है, खैर तो है आज गुड्डू? हाँ खैर ही है। ले पैसे अपने। आज पैसे ते वापस मैनू, खैर ते है गुड्डू? हाँ, क्योंकि मैं आज जिंदगी दा वड़ा जुआ खेडन जा रहा। गुड्डू, जिंदगी दा एडा वड़ा जुआ हो की? बस 5 लाख रुपया आ जाएगा। ओही ते मैं कह रहा हूँ कि मैं जीत भी ते सकना, जरूरी ते नहीं कि मैं आ रहा ही हर दफा। ये 5 लाख रुपया आ गया ते किन्ना कुछ कर लांगे असि। गुड्डू, कदी ओजे ख्वाब अधूरे ही रह जांदे नहीं ते लोग तो अग्गे तो समझ दिया से भी लोग समझदे ख्वाब वेंदे ते हुण तो दुनिया जागदे ख्वाब वेखण शुरू कर दे। जागदे ख्वाब नहीं, जिंदगी दा जुआ दा दा ऐसा वड्डा लान लगावा के 5 लाख रुपया आ जाएगा ते तू मेनू हुण टेंशन ना दे। ते मेनू तो दस, मेनू तो कोई पता होवे, मैं तो तेरी समाणी हां भाई, घर दी हकदार हां। अब बस ठीक है, मैं जदों जितांगा फिर तेन खुशखबरी सुनावांगा, फिलहाल मैं जा रहा बस। हला तेरी मर्जी, 5 लाख दा, 5 लाख दी ऐसी केड़ी गल होवे, केड़ी ओ काम होवे जेड़ा 5 लाख रुपया आंदा पिया। लगदा है कोई दाल च काला काला है। गुड्डू मैनू गल सीधी नहीं कीती। हाँ जी अमर भाई, आ गए हो सर? आ गया मैं। लगदा को फैसला कर रहा है गुड्डू? फैसला हो गया। अच्छा फिर डाने 5 लाख तैयार रख। 5 लाख दी टेंशन नहीं है, तू अपना दस। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। कर फिर ता दे, आज ताश और आज ताश ही मेरे हाथ की रहेगी। ला अमर, जे तू आ रहा था तो मैं 5 लाख ले के जासा। ले के जाए गुड्डू, जे तू हर गया था फिर इत्थे ले आनी है। इत्थे ठीक है, शर्त याद है ना? बिल्कुल याद है मैनू। ओके, हुण मुकरना नहीं। मैं जितया ते 5 लाख, जे मैं जितया ते फिर मेरी भैन, अपनी भैन नु मैं तेरे को ले के आवां। चल ला दा, आज तो बेगम ही चाहिए है, साठ इत बेगम। गुड्डू चेक कर, आ गई बेगम, देख। चल लाया नस नस बैन लाया, गल तो कैमरो चलो। हूं क्यों परेशान होता है? चल लाया, उठ 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 उठ, शाबाश। वड्डा आया साडे नाल गेमां लांदा है। मानूर, मान जी, जी गुड्डू खैर तो है? खैर ही है। तेरा मुंह क्यों लटके होया? कुछ नहीं होया। सलमा किते वे? सलमा अंदर है पई, ते तू तो 5 लाख रुपया लवड़ गया है। 5 लाख भी आ जाएगा, सलमा किते वे? गुड्डू खैर तो है? खैर ही है, बुलाओ नू। सलमा, अभिरास ने गल सुन। हां जी भाई। ओ सलमा, तू आंदी सने के मैं शहर जाना है, कुछ चीजा शीजा लेनिया ने ईद वास्ते। हां जी भाई। चल मेरे नाल शहर। गुड्डू
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਘਰ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਲਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁੱਡੂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੇਗੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਲਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗੁੱਡੂ ਕਦੀ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੀ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਚੱਲੋ ਬਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਬਸ ਕਰ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਪੈ ਦਿਨ ਗਲਿਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋੜ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਬਾਵਾਂ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜੂਏ ਛਾੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੈਣ ਬੈਠੀ ਆਈ ਤੂੰ ਜੂਏ ਛਾੜ ਜਾਵੇਂ ਬੈਣ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਆ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੋ ਆ ਹੈ ਚੁੱਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ 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 ਛੋਰੇ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਆ हाय व्यूअर्स उम्मीद है कि अल्लाह पाक से कि आप खैरियत से होंगे हम भी खैरियत से हैं बाटा टीम जितनी भी है तमाम की तरफ से सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान जा रहा है रमज़ान में हमारे लिए भी जितने भी दोस्त अहबाब रोज़े भी रख रहे होंगे क्योंकि ये रहमतों बरकतों का महीना है हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा हम आपके लिए दुआ गो हैं आज की स्टोरी जो मैसेज हमने दिया है ये जुआ एक लानत है जुआ हराम है शर्त हराम है हमारे मज़हब में ये नहीं लगानी चाहिए जैसे कि आज जज्बात में आके हमारे एक रोल में अपनी बहन को हार दिया उसने क्या किया उसने ये नहीं सोचा कि बहन होती क्या है बहन इज्जत होती है गैरत होती है तकब्बर होती है गरूर होती है इंसान का जो भाई होता है उसके लिए मान होती है एक उसने अपनी मान इज्जत गैरत सब कुछ नीलाम करके एक पत्ते की वजह से कि एक पता उधर गया एक पता इधर आया ना जाने बाहर आए या अंदर आए इतने से लम्हे में आपकी गैरत जो है वो ख़त्म हो जाती है आप सब कुछ अपना दाव पे लगा देते हैं तो जिस भाई को भी ऐसी लत है ये लानत है ये जो जुआ है एक लानत है बुरी बला इसे समझा जाता है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आज मैसेज हमने दिया स्टोरी को इस स्टोरी को कोशिश करें कि शेयर करें कमेंट्स करें लाइक करें ज़रूर करें क्योंकि मैसेज जो है वो पहुंचना चाहिए हर एक इंसान तक अच्छा हमारी कोशिश ही बाटा टीवी की ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा मैसेज पहुंचाया जाए आप तक
तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी स्टोरी कौन कौन और किस किस ने देखी है। तो जाते जाते बाटा टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।